स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर। इन डायबिटीज देर इज एन एक्सेस ऑफ शुगर इन द बॉडी, आर बॉडी नीड शुगर फॉर एनर्जी, द क्वान्टिटी ऑफ शुगर इज एक्सेस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कि डायबिटीज में हमारी बॉडी में जो शुगर है वो ज्यादा होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत है, और अगर हमारी बॉडी की नीड से ज्यादा अगर शुगर हमारे शरीर में बनती है तो बॉडी उसको यूरिन के थ्रू निकाल देती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें कंक्लूजन दिए हुए यहाँ पे, द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर इज लाइकली टू लीड टू डायबिटीज। फर्स्ट कंक्लूजन की अगर शुगर की कंजप्शन ज्यादा हो हमारी बॉडी में तो वो डायबिटीज बन सकती है। तो अगर हम इस कंक्लूजन को स्टेटमेंट में देखें कि अगर ये कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो यस, क्योंकि डायबिटीज में हमारे शरीर में शुगर ज्यादा होती है। तो ये जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर is likely to lead to diabetes। ठीक है, तो ये हमारा जो first conclusion है ये यहाँ पर follow कर रहा है statement को। Second conclusion है consumption of sugar should be avoided। नहीं, statement को ये follow नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बोला ही नहीं गया कि शुगर को अवॉइड करना है कहीं भी। ठीक है, हमें शुगर के बेनिफिट्स बताए हुए हैं, शुगर से हमारे शरीर में एनर्जी बनती है और अगर हमारी बॉडी ज़्यादा शुगर बनाती है तो हम उसे यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं कर रहा दी हुई स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो।